आप सभी लोगों का हमारा नमस्कार। और हम कृषि विभाग से आए हुए हैं यहाँ पर। ये ग्राम पंचायत पड़ती है रामापुर नानकारी, विकास खंड भावलखेड़ा, जनपद सहजानपुर, ये उत्तर प्रदेश में हमारा आता है। और इस गांव में हम इसलिए आए हैं कि सरकार द्वारा इस बार विकास खंड पर जो बीज हम लोगों को मिलता था, जैसे बीज मिलता था तो पहले आप लोगों को पूरे पैसे जमा होते थे, अब सरकार द्वारा सिस्टम कर दिया गया है, ये पोस्ट मशीन आ गई है ब्लॉक पर, तो जिसमें आपका अंगूठा लगेगा, जैसे आप वहाँ फिंगरप्रिंट लगाएंगे अपना, तो सब्सिडी तुरंत कट जाएगी, ऊपर के पैसे देने होंगे। जैसे इस समय धान का बीज आया हुआ है तो आप बीज लेने जाएंगे वहाँ पर, तो आप जैसे वहाँ अंगूठा लगाओगे आप, तो सब्सिडी वहीं कट जाएगी। ये सुविधा है जो आप लोगों के लिए कर दी गई, और ये हमें लगता है बहुत अच्छा रहा किसान भाई के लिए, क्योंकि ये पहले बहुत दिक्कत होती थी कि जैसे सब्सिडी नहीं आ पाती थी, समय लग जाता था, किसान कहते थे कि भाई हमारे तो पैसे पहले जमा हो गए, हमें तो अभी पैसे कम हो जाते तो हम खाद ले लेते उतने, ये दिक्कत होती थी, बहुत समस्या आती थी। तो ये है जो इस बार कर दिया, इसी बार से स्टार्ट हुआ है तुरंत, मतलब तुरंत आप है जो तुरंत सब्सिडी काट के आप तुरंत अपना भी मिले। इस समय धान का भी जाया है, खैचा का शायद आज गाड़ी उतर रही है, तो ये है जो वहाँ पर सुविधा कर दी गई सरकार की तरफ से। दूसरी पॉइंट ये कि आज जो हम लोग यहाँ पे नाम नोट कर रहे हैं, तो एक है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी की जांच होती है, आपको जानते हुए अच्छी लगेगी, तो ये इसका एक कार्ड बनेगा, और उसके लिए योजना के अंतर्गत है जो आपका गाँव का चयन किया गया है, इस बरमौला न्याय पंचायत में 4 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ, एक देवराज, सहुआ, रामापुर नानकारी और तुर्कीखेड़ा, ये 4 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। तो इसमें पहले किसान का नाम, पूरी डिटेल, मोबाइल नंबर लिया जाएगा, फिर आपका हम उनको रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यही मोबाइल नंबर आईडी बन जाएगा आपका, इसी से फिर वो खुलेगा डाटा आपका, फिर हम मोबाइल में ऐप है उसी से हम लोग क्या करेंगे, सेल सेंटर कलेक्शन करेंगे, ये सब ऑनलाइन होगा। पहले जैसे होता था कि कहीं भी कर दिया, लेकिन अब हमें खेत की नेट पर जाना ही पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, मोबाइल पकड़ेगा नहीं। तो ये इसका जांच होगी, जांच से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कौन कौन चीज की कमी हो रही है। तो जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग ब्लड की टेस्ट कराते हैं, क्या समस्या है, ऐसे ही हमारे खेत भी बीमारी पड़ रहे तरीके से, क्योंकि हम लोग खाद लगातार है जो खर्चा बढ़ रहा है, हमारा लागत आ रही, लेकिन है जो आमदनी नहीं बढ़ रही है, पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो ये जांच होगी तो उसमें पता चलेगा कि हमें कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर देना है, कितनी मात्रा में दवा देना है, कितनी किस मात्रा में हमें कौन सा तत्व देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो ये जांच होकर ये कार्ड मिल जाएगा। ये अभी निःशुल्क होगा योजना के अंतर्गत, वैसे कराने जाओगे तो आपकी सरकारी फीस जमा होगी 40 रुपये 70 रुपये, जो सरकारी फीस जमा करो तब हम करा सकते हैं, जैसे जो कोई रह जाता है कराना चाहता है पर्सनल, तो पैसे जमा होंगे तब। और ये जो वीडियो हमने इसलिए बनवाया है, उत्तर प्रदेश के कोई भी किसान है, कहीं भी हैं आप, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये किया गया है, और इसमें अपनी विकास खंड पर कहीं जो जहाँ भी आपके विकास खंड लगते हैं वहाँ पर जा करके अपना बीज गोदाम है वहाँ पर आप संपर्क करिएगा। जो भी बीज आ रहा है तो अब वहाँ पर पूरे पैसे नहीं जमा होंगे, आपसे आधे ही पैसे ले जाएंगे जो अनुदान काट के, तो आप वहाँ पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं, आप अपने जो भी कृषि विभाग के कर्मचारी हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा। ऐसे ही योजना से जुड़े हुए हम आप जो जानकारी है आपको देते रहेंगे, और देते रहते, पहले भी हमने बताया है आप लोगों को, तो इसके लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।